अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अरमान उर्दू पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने ऑर्डर किया था ट्राईपोड का draw.pk से, तो वो पार्सल मुझे रिसीव हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम draw.pk से जो हमने दो ट्राईपोड मंगाए एक साथ, तो हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें यहाँ पे हमारी ऑर्डर की डिटेल है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपके साथ ये बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मैं जो है Xiaomi Redmi Note 4 से कर रहा हूँ, और इसके बाद मेरी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो Redmi Note 4 से वो मैं रिकॉर्ड करूंगा। और इस आज के बाद जो है मैं पहले ये जो है स्टैंड यूज करता था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और आज के बाद ये मैं ट्राईपोड यूज करने वाला हूं। और अगर आप भी ये ट्राईपोड खरीदना चाहते हैं तो आपको इस ट्राईपोड का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले इसकी जो है डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये मैं इसको जो है मजीद फोकस कर लेता हूँ। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये मुझे दो ट्राईपोड पड़े हैं जी 992 रुपए में। तो 992 में शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूडिंग है। तो शिपिंग चार्जेस अगर आप एक ट्राईपोड मंगाते हैं या एक कोई भी चीज एक मंगाते हैं उसका पीस, तो आपको शिपिंग चार्जेस लिपर्ड की तरफ से मिलते हैं 145 रुपए, 145। और अगर आप दो मंगाते हैं या दो से ज्यादा 5-10, तो फिर आपको पांच आइटम्स के या दो आइटम्स के आपको 200 चार्ज होते हैं 145 के अलावा। अगर इसीलिए मेरा आपसे आपको यही मशवरा है, अगर आप या आपके अपने दोस्त अगर इस तरह की कोई चीज मंगवाना चाहते हैं, तो फिर आप एक नहीं दो वहां पे चीजें जो है वो सिलेक्ट करके उसकी तादाद दो कर लें, और इससे आपको ये फायदा होगा कि जो आपने एक के लिए 145 पे करने हैं वो आप दो के लिए 200 पे करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, और इसके बाद हम ट्राईपोड को जो है वो देखेंगे कि इसमें किस तरह की ट्राईपोड आई है। तो यहाँ पे ये हमें मिलती है, ये इंसुलेशन टेप है। तो यहाँ इसको हम चले इसको यहाँ से काट ही लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये ब्लेड है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये ब्लेड रिमूव हो गया है, और इसके बाद जो है यहाँ से हम अंदर से ट्राईपोड निकाल लेते हैं, एक और ये दो। इसके अलावा यहाँ पे पेपर वर्क मिल रहा है हमें, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बाकी शॉपर खाली है। तो ये हमें पेपर वर्क मिला है, तो पेपर वर्क को हम इसको खोल कर देख लेते हैं। इसमें हमारी बेसिकली ऑर्डर डिटेल होंगी और हमारा जो है रिटर्न फॉर्म होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी ऑर्डर की डिटेल है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऑर्डर की डिटेल है, और इसके बाद ये मेरे पास रिटर्न फॉर्म भी आया यहाँ पे। और अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है या जो आपने ऑर्डर किया वो चीज़ आपको पार्सल नहीं हुई, तो वो भी आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, उसको आप इनसे कॉन्टेक्ट करके जो है वो आप डील कर सकते हैं, वापस भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों एक ये ट्राईपोड है हमारे पास, और एक ये है। तो ये दोनों सेम ही हैं, ये आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ लेते हैं, ट्राईपोड है WT3110A 3110A। तो इसमें है थ्री वे हेड है, और इसमें आप देख सकते हैं थ्री वे हेड है, बिल्ट इन लेवल है, 4 सेकंड एल्यूमिनियम है, 4 स्केल एल्यूमिनियम लेग्स हैं, क्विक लीवर लॉक है, और इसमें आप मजीद देख सकते हैं यहाँ पे 10-20 mm का ये स्टैंड है, टोटल 350 mm है और 345, यानी कि जिस एंगल पे भी आपको ये चाहिए वो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और ये इसका टोटल जो है वो 420 ग्राम इसका वेट है, और ये इसकी लुक है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने इसको ऑर्डर किया, तो ये दोनों मुझे पड़ी हैं 992 रुपए में, मेड इन चाइना है इसमें। और देख लेते हैं, थ्री वे है, फोर सेक्शन लेग है, क्विक लीवर लॉक है, रबर लेग टेप है, तो मेड इन चाइना है। तो इसमें हम इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, वो भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम पहले इसको देख लेते हैं, तो इसको अनबॉक्स करने के बाद हमें ये एक मिला है। तो
इसमें डिब्बे में और कुछ नहीं है, ये हमें मिला है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं इस, वाओ, तो इस डिब्बा में हम देख लेते हैं जी हमारा जी, इसमें भी और कुछ नहीं है, जो कुछ है वो यहाँ पे आ गया। सबसे पहले ये हमें मिला है जी मोबाइल होल्डर, तो इसमें आप लगाकर जो मोबाइल होल्ड कर लेंगे, जिस जहाँ पे आपका मोबाइल को जो भी साइज है उसको यहाँ पे फिक्स कर लेगा, और इसकी बहुत अच्छी ग्रिप है, ये आपके मोबाइल को यहाँ से स्लिप नहीं करेगा, ये पकड़ के रखेगा। और इसके बाद जो हम देख लेते हैं, ये मोबाइल होल्डर हम साइड पे कर लेते हैं, और इसके बाद इसको भी साइड पे कर लेते हैं। तो ये है जी हमारी ट्राइपॉड, ये आप देख सकते हैं जबरदस्त। तो यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग आपको नजर आ रही है, और ये है इसका हैंडल जिससे आपने इसको फिक्स करना है, या अपना मोबाइल जो है ये आप देख सकते हैं ये इस तरह मूव हो जाता है, आपको जिस भी एंगल पे मोबाइल चाहिए वो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो है इसकी ये है कि यहाँ आप इसको टाइट कर सकते हैं, ये देखें ये इस तरह भी आप इसको मूव कर रहे हैं, यहां से भी मूव हो जाएगा, और जहां पे भी आपको ये चाहिए, अगर आप यहाँ पे फिक्स चाहिए तो आप इसको यहां से टाइट कर सकते हैं। तो ये टाइट हो गया, अब ये मूव नहीं करेगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पे आपको ये लेवल दिखाया गया कि जहां पे ये सेंटर होगा इसका, तो ये देखें ये आप इसका ये सेंटर शो हो रहा है, ये यहाँ पे ये सेंटर शो कराएगा आपको कि आप बिल्कुल सेंटर में है। तो इसी तरह ये यहाँ पे जो है ये भी लूज हो जाता है, इसमें आप अगर मूव करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से इसको लूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये इसकी लेग्स हैं, तो यहाँ पे लेग्स को भी आप जो है वो टाइट और लूज कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो इसमें अभी हम इसको देख लेते हैं इसकी टोटल हाइट, तो इसकी यहाँ से हम इसको अनलॉक करते हैं, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप ये सारी लॉक हैं, तो इसको आप यहाँ से अनलॉक करके तो यहाँ से और नीचे निकाल लेंगे, फिर अगली अनबॉक्स करें अनलॉक करेंगे और फिर नीचे निकाल लेंगे, फिर इसी तरह ये लास्ट वाली है, इसको अनलॉक करने के बाद ये लास्ट वाली चाहिए। तो इस सारी जो है एक लेग का मैं यहाँ पे ये इस तरह आप इसको लॉक दोबारा लगा देंगे जैसे पहले ये लगा हुआ था, तो मैं अभी आपको जो है एक लेग का जो है वो मेजर करके बताने लगा हूँ कि जी ये इसकी एक लेग की कितनी है, तो इसके लिए मैं मेजर टेप इस्तेमाल करूँगा। तो इसमें ये लेंथ आपको बता रहा हूँ जी मैं यहाँ से, तो ये टोटल जो है ये 32 इंच है, तो ये आप अंदाजा लगा लें ये यहाँ पे 32 इंच में यहाँ पे रुका है, तो 2 फुट 1 2 3 4 5 6 7 8 2 फुट 8 इंच जो है ये इसकी एक टांग एक लंबी है। मजीद इसमें से ये स्टैंड जो है ये भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ये भी ये देखें ये आप यहाँ से इसको भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो ये और मजीद अगर आपको चाहिए इसके लेंथ ही चाहिए तो ये स्टैंड भी आप जो है इसको ऊपर कर सकते हैं। तो ये अगर आप इसको मजीद ऊपर करते हैं तो इसकी जो लेंथ है ये टोटल हो जाएगी, पहले 2 फुट 8 इंच थी तो अब ये देख सकते हैं आप 8 इंच और बढ़ जाएगी इसकी, तो ये 3 फुट और 4 इंच ये तकरीबन ये टोटल है 3.5 फुट का ये आपको मिल जाएगा स्टैंड। तो ये है, क्वालिटी इसकी अच्छी है, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छे जो है, इतने पैसों में ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था दराडाट पीके से कि ये इतनी अच्छी मुझे ट्राईपोर्ट दे देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने का शुक्रिया। अभी मैं इसकी दूसरी जो है उसमें भी आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे भी यही सारा कुछ यही सारा सामान है, तो अभी हम इसको जो है रहने देते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग जो कि हमने ट्राईपॉड की है। अगर आपको ये अनबॉक्सिंग अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और इसके नीचे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्राईपॉड के बारे से अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसके लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां पे भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
और अगर आप इस ट्राइपॉड को बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग, फिर मिलेंगे एक नई अनबॉक्सिंग एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेहबान, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।